यही गछवा जो है ना, पुलिसवा बोल रहा था कि ये बाजार ये गछवा में यहाँ पर किसको बाजार में खेले? मैंने गाड़ी जो चला रहा था ना जिसका पास हेलमेट नहीं था उसको बोल रहा ये गछवा में बाजार के देखते हैं चोट लगता है कि नहीं लगता है। अगर कोई आरोप लगा रहा आप लोग उस प्रकार का न्यूज़ हम तो उस पर कार्रवाई करिए रहे हैं, आप लोग पर भी कार्रवाई होगा, यही बात आएगा लास्ट में। तो FIR करने को धमकी दे रहा है तो हम तो ये लेटर देंगे, SP को भी लेटर लिख के देंगे। सो मेरे साथ ऐसा हुआ, गाली गलौज करते हैं। खाली वही लफुआ ग्रुप का है बोल रहा है, बाकी आप किसी पत्र लीजिए से बयान लीजिए कि कोई लफुआ चार को बोल देगा आप वही मीडिया में चलाइए। नमस्कार जोहार, अभी हमें बोकारो जिला के कसमार प्रखंड क्षेत्र में, कसमार प्रखंड क्षेत्र एक सुदूर क्षेत्र NH हाईवे से बगल में है। यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग अगर जाते हैं हाट बाजार तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग इसी रास्ते से जाते हैं और यहाँ से बंगाल बॉर्डर भी है, बंगाल के लोग इधर से आगमन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर चेक नाका लगाया जाता है, कसमार थाना के पुलिस प्रशासन और ब्लॉक पदाधिकारी भी रहते हैं, उनके मौजूदगी में यहाँ पर चेक नाका लगाया जाता है चेकिंग को लेकर, क्योंकि ये बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है। कुछ ग्रामीण है, हमसे उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ प्रताड़ित करती है, अभद्र भाषा प्रयोग करती है। बाकी हम ये पुष्टि नहीं करते, हमारे चैनल में वो दस्तावेज है। हम उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग के साथ ये घटना घटी है, और वो लोगों ने कहा कि हमारे साथ कई दिनों से इस तरह से आते दिन घटनाएं हो रही है तमाम लोगों के साथ, लेकिन हमने कहीं सोशल मीडिया में ना लिखित आवेदन कहीं पे दिया है। तो रूबरू करवाते हैं, हमारे साथ है मिथिलेश जैक्सन, इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई यहाँ के कसमार थाना के थाना प्रभारी के द्वारा। जी हाँ, ये परसों हम जा रहे थे कसमार कुछ दवा लेने, मेडिसिन लेने के लिए, तो मेरा घर ज्यादा दूर है नहीं, तो हेलमेट मेरे पास सिर्फ नहीं था, तो हेलमेट नहीं था तो उसका वो चलान कर सकते थे, गाड़ी वाड़ी चेकिंग कर रहे थे। आपका गाड़ी का हेलमेट नहीं था, रोके? हाँ रोके, तो हम रुक गए, तो रुके और DQ की चेक किए, लाइसेंस वगैरह मांगे, सब दे दिए, सब मेरे पास अवेलेबल था, सब दे दिए, सिर्फ मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो हेलमेट नहीं था तो हम बोले चलान कीजिए, मेरा तो गलती है इसमें, तो बार बार वही बोल रहा हेलमेट नहीं, हेलमेट कहाँ, हम बोले हेलमेट नहीं है सर, तो हम बोले चलान कीजिए, जब गलती है तो क्या हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना, तो बोलता है डायरेक्ट मतलब गाली देते हैं, हीरो बन रहा तुम, डायरेक्ट ऐसा ही गाली दिए। उसके बाद हम उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे मोबाइल हम निकालते हैं तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। कौन छीना? जो उज्जवल पांडे के साथ और एक थे, मतलब एक कॉन्स्टेबल थे, तो वो मेरा फोन छीन लिया, तो फोन छीन लिया। उसके बाद मतलब हाथ भी उठाया मेरे साथ, हाथ भी, उसके बाद उनके आगे BDO साहब थे, तो BDO साहब के गाड़ी में खुद नंबर प्लेट नहीं है और उन लोग जांच कर रहे हैं, और थाना प्रभारी का भी मतलब पीछे में नंबर प्लेट नहीं है, और जो नंबर प्लेट में चल रहे हैं ये मतलब मोटरसाइकिल का नंबर है, बिहार नंबर का गाड़ी है, टाटा सुमो है। तो ये पहले अपने कानून तो सबके लिए होता है, तो कानून पहले अपने आप को देखते हैं और दूसरा को अब वो करते हैं, और ये धमकी भी हमको दे रहे हैं कि तुमको हम FIR करेंगे। हम फेसबुक में ही लिखे हैं कि आपका लैंग्वेज सही नहीं, लैंग्वेज सुधारिए। मतलब आपने सोशल मीडिया, आपके साथ जो घटना घटी हो आपने सोशल मीडिया में लिखा? हाँ लिखे हैं, तो वो हम सिर्फ इतना ही बोले, तो चाची को फोन करके बोलता है उसको हम FIR करेंगे, तो FIR करने को धमकी दे रहा है, तो हम तो ये लेटर देंगे, SP को भी लेटर लिख के देंगे। सो मेरे साथ ऐसा हुआ, गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ नहीं हुआ, और भी यहाँ का आदमी है उन लोग के भी साथ हुआ है, और भी लोग हैं, आते दिन घटनाएं होती रहती है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनके साथ भी क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी सेम इसी तरह कुछ महीना पहले इसी तरह का घटना हुआ है। हम लोग जो है, हम और एक मेरा दोस्त था, हम लोग कसमार से आ रहे थे, रात में करीब 8 बजे के टाइम हो रहा था। जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे बैगारी चौक में यहीं पे उन लोग जो है अपना चेकिंग कर रहा था, तो हम लोग भी रोके, तो उसके बाद DQ वगैरह चेक किया, तो वो टाइम में हम दिखाए, सारा चीज दिखाए तो कुछ नहीं निकला। तो फिर हम लोग बोले कि थोड़ा हम लोग को जाने दीजिए, तो रात भी हो गया है और जो है इसका नमाज का भी टाइम हो रहा था, वो टाइम में नमाज का भी टाइम चल रहा था, रोजा का टाइम चल रहा था वो टाइम में, तो जो है हम लोग बोल रहे थे कि जाने दीजिए, तो वो जो है पता नहीं उसका क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि क्या हुआ, उसके बाद बोला कि नहीं कान पकड़ो, और जो है अभद्र गाली भी देने लगा, और ये उज्जवल पांडे का एक ही गाली है, उसका मुंह में रहता है, वो कोई भी नहीं देखता है, और मेरा घर यहीं पे लोकल पे, यहाँ से मेरा घर दिख जाता है, 1 किलोमीटर मेरा घर है, यहाँ से मेरा एकदम दिख जाता है, हम बोले बल्कि लोकल है। तो उसके बाद जो है वो नहीं सुना, उसके बाद जो है मेरा गाड़ी जो है रातों रात वो लेके चला गया,
और आपका गाड़ी ले गया। हाँ, आप कान नहीं पकड़े इसीलिए? नहीं, कान नहीं पकड़े हम, वो मेरा दोस्त था, वो कान पकड़ लिया और लेके हम कान नहीं पकड़ रहे थे, मेरा ईगो में, उसका ईगो में पता नहीं हट हो गया, वो मेरा गाड़ी लेके चला गया। उसके बाद जो है फिर हम जो है दूसरा दिन में हम जाके जो है इधर उधर से फोन उन करके पैरवी करके जो है बहुत प्रकार से, तब जाके हमको शाम में गाड़ी छोड़ा था वो। देख रहे हैं कि लोगों का आरोप है कि बिना बात पे कान पकड़ना और अभद्र भाषा प्रयोग करने की मामला आ रही है सामने। लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, टेम्पो ड्राइवर, इनके साथ भी कुछ हुआ था क्या आपके साथ? नहीं देखिए, हम लोग का साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पे चेक इन लगाते हैं गाड़ी तो देखते होंगे ना, तो यहाँ पर चेक इन लगाया था और हेलमेट लाइसेंस का चेक इन चल रहा था, मांग रहा था जिसका पास नहीं था। तो ये देखिए, यही गछवा जो है ना, पुलिस हुआ बोल रहा था कि ये बाजार, ये गछवा में यहाँ पर किसको बाजार में के लिए? मैंने गाड़ी जो चला रहा था ना, जिसका पास हेलमेट नहीं था, उसको बोल रहा है ये गछवा में बाजार के देखते हैं चोट लगता है कि नहीं लगता है, और गाली गलौज कर रहा था। हाँ, परसों रोज यहाँ पर चेक इन था, और क्या बोलेंगे, जो सही है बोल दिया। आप लोग आरोप क्या है? बस वही कि मतलब अपना लैंग्वेज सुधारें, डायरेक्ट ऐसा उसका जो पहला ही मुंह में डायरेक्ट ऐसा लैंग्वेज से किसी से बात नहीं किया जाता है ना, डायरेक्ट कोई किसी का कुछ इमरजेंसी का काम है तो तुम आराम से नॉर्मल से बात कर सकता हो, तो डायरेक्ट सही जो बात करते हैं डायरेक्ट वही बात, हमको तीन चार बार बोले यही गाली, हमको ही खराब लगा और कुछ नहीं। और वो अभी हमको धमकी दे रहा है कि हम तुमको FIR करेंगे, तो हम पहले हम SP को, अभी हम जा रहे हैं SP ही पास, तो अभी हम SP को लेटर देंगे। फिलहाल कानून में ये नहीं कहा है कि अगर आप इनलीगल हैं तो आपके ऊपर गाली गलौज किया जाएगा, बाकी यही यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ से ही जाते हैं बोकारो या फिर पेटरवार, इसी क्षेत्र से गुजरते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन चेकिंग लगाती है और इन सभी घटनाओं को लेकर रूबरू हुए। जो पुलिस प्रशासन है, जो उनका आदमी है, तो वो उनका खुद हेलमेट बिना हेलमेट में चलते हैं वो, और उनका गाड़ी का नंबर प्लेट भी पीछे नहीं, और जो बिहार नंबर जो टाटा सुमो में खुद चलते हैं उज्ज्वल पांडे, उनका बाइक का नंबर है, पैशन प्रो का नंबर, हम पूरा हिस्ट्री निकाले हैं उनका, सिर्फ आगे में बिहार नंबर का प्लेट लगा हुआ नंबर, और BDO साहब का ये आगे पीछे नंबर प्लेट, 2 साल होने चला है BDO साहब कसमार BDO, उनका नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है गाड़ी का, और दूसरा को खुद चेकिंग कर रहे हैं, मेरे पास सब प्रूफ है उनका। कसमार से एक मामला आया था। अच्छा बताइए। तो एक लड़का था ये मिथिलेश जैक्सन, हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग को बुलाया था कि जो थोड़ा प्रेस करना है, तो कवरेज किए हैं, तो आप पे आरोप लगा रहा था कि जो है वो ये गाली गलौज का। अच्छा, तो वही हम सोच रहे थे कि एक पक्ष को दिखाना सही नहीं रहेगा। अरे उसमें जो है ना, पर 2 दिन पहले संडे को जो है BDO साहब थे, हम लोग जो अभी आजकल आचार संहिता लगा हुआ है, हाँ, और चेकिंग हम लोग का जो लगातार चेकिंग चल रहा है, वही चेकिंग चल रहा था, और वो जो है बाइक से कहीं जा रहा था, तो BDO साहब भी थे, हम भी थे, हम लोग रुकवाए उसको, तो जो है दुर्व्यवहार थोड़ा सा करने लगा। क्या दुर्व्यवहार? वो बोल रहा है कि आप लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा था। नहीं नहीं, वहाँ कम से कम 100 आदमी का वाहन चेकिंग हम लोग किए थे, 100 में से इसी को कहा लग रहा है कि इस पर हम लोग, अच्छा और दुश्मन है कि हम लोग गाली गलौज किसी को कर देंगे। और दूसरा चीज ये भी है कि इस पर जो है हेलमेट वगैरह नहीं लगाया था, तो इसको वो समझाया गया कि हेलमेट वेलमेट लगाओ। हम BDO में बोला है कि हेलमेट हम नहीं लाए थे, हम चालान कटने बोले, उसी में हमको गाली देने लगा, तो हम गाली दिया तो हम BDO बनाने लगे, तो मोबाइल भी छीन लिया। बोकारो आज तक को और हमको बुलाया था, हम लोग कवरेज ले लिया था, हम सोचे कि एक आपका बाइक कॉल या बाइक रिपोर्ट आपका पहुँच कर देंगे, नहीं तो फिर बात नहीं। नहीं, इसीलिए तो हम आपको फोन किया, हम करण महतो से नंबर लिए, जुमरा किंग, वो बोले कि ऐसा ऐसा आपका क्षेत्र का मामला है, तो बोले कि तुम उसका ले लो, किया था आप लोग चलाने लगे, तो हो गया। तो हम कहाँ चला रहे हैं, आपको कानून सिखा रहा है, और दो तीन गो थे वहाँ पे, उसी जहाँ पे चेकिंग और बोल रहा है यहीं पे चेकिंग हो रहा था, तो हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा मामला आया हो तो वही मैं आपका पक्ष लेने के लिए आपको कॉल किया था।
तो इसमें पक्ष का कोनो आपको न्यूज चलाना है इसमें? नहीं तो वो आदमी पूरा लेटर उटर भी बोला कि लेटर हम एसपी को लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। लिखने दीजिए उसको, लिखने दीजिए। अब ऐसा तो नहीं, नहीं पुलिस ऐसा है कि कोई गलती कर, जो कोई चोरी करके भाग रहा है पुलिस नहीं पकड़ेगा उसको। तो हम एसपी साहब को, हम मीडिया को कर रही है, कोई तरीका हुआ? बात तो सही है। किया उस दिन का कहा ना कि 100 गाड़ी चेक हुआ होगा, कहा कोई दूसरा कोई 99 आदमी कहा नहीं आरोप लगा रहा है, इसी यही कहा आरोप लगा रहा है, बोल रहा है चेकिंग करना ठीक था, हम चालान कटवाने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं चालान कटवाने के, इसको यही चीज समझा के भेजा गया कि आज सबको चेतावनी दिया गया था भाई, वहाँ तो चेकिंग में जान ही रह गया, जात में कोई हेलमेट था कुछ नहीं लगा था, लेकिन समझा के भेजा गया था, तो ये कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा है। बोल रहा है कि और एक दो आदमी बयान दिया है, जैसे हम वहाँ इंटरव्यू लिए तो दो को बयान दिया कि वो हमेशा गाली गलौज करते हैं। नहीं नहीं तो खाली वही लफुआ ग्रुप का है बोल रहा है, बाकी आप किसी प्रतिनिधि से बयान लीजिएगा कि कोई लफुआ चार को बोल देगा, आप वही मीडिया में चलाइए। नहीं मतलब कि और भी लोगों से पूछेंगे। हाँ हाँ तो आप जन प्रतिनिधि लोग हैं, आप उस प्रकार से किसी का बयान लीजिए, कोई मेरे बारे में बोले तो ठीक है। बाकी एक और एक कोई झांसी थे वो भी बोल रहे हैं। बताइए कि चार को लफुआ जो है आपको बुला रहा है और आपको बाइट दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मैंने क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आप लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए तो हम इसीलिए आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो आपसे हम जानकारी लेना मेरा फर्ज है ना, इसीलिए तो इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप तो हो गया, कोई किसी को बुला के हम ही बुला के बोल देंगे कि आप ऐसे करते वैसे करते हैं, तो मैंने आदमी न्यूज में चलाने लगे तो उचित नहीं ना है। हाँ तो वही हम सोच रहे हैं कि इसका समाधान निकल जाए। समाधान तो उसमें समाधान नहीं तो फिर बाद में ना वो हमें हम लोग को बोलेंगे कि आप लोग बिक गए हैं, ये हो गया। नहीं नहीं अच्छा ही बताइए, एक थाना प्रभारी कल आप पर आरोप लगाएगा तो कुछ गलत बोलेगा आपको ही नहीं ना, हमको बोलेगा गलत करना तो हम नहीं करेंगे, आपको बोलेगा आप करें तो आप संभव नहीं ना है, सबको गलत बोलेगा करना तो सब कोई करेगा, वही गलत उसके अनुसार गलत काम नहीं ना करेगा। अच्छा हम लोग तो बोल दिए वीडियो में भी कि हम लोग इस मामला को पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, इस मामले को हम पुष्टि नहीं करते हैं, बाकी लोग नहीं नहीं तो आप देखिए सही में अगर कोई आरोप लगा रहा है आप लोग उस प्रकार का न्यूज तो हमें न्यूज हम तो उस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं, आप लोग पर भी कार्रवाई होगा, यही बात आएगा लास्ट में। हम लोग तो कुछ नहीं, हम तो आपसे आरोप नहीं लगाए सर। नहीं आप आरोप कोई ऐसी लगा रहा है तो आप ऑथराइज उसको न्यूज ऐसी आपसे न्यूज नहीं ना चला सकते हैं, इसी आपसे इसीलिए ना आपका भी पक्ष लेना जरूरी है ना। आरोप प्रेस क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बताइए।